जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रोग्राम में जिंदगी बने आसान। दोस्तों, जिंदगी में अगर हम भूतकाल में जी रहे हैं तो हम निराश हैं, अगर हम भविष्यकाल में जी रहे हैं तो हम चिंतित हैं, और अगर हम इसी वक्त इसी पल में जी रहे हैं तो हम खुशनुमा हैं। तो अगर खुश रहना है तो आप इसी प्रेजेंट में जिए। जिस वक्त आप प्रेजेंट में हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आधे से ज़्यादा सवालों के जवाब तो आपको इसी प्रेजेंट में मिलेंगे। इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं आज की कड़ी की। हमारे साथ हैं प्रोफेसर गिरीश जी। नमस्ते। नमस्कार अनायका जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू गिरीश जी। आपने बहुत सारी बातें कही थी पिछले कड़ी में, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि अगर हमें खुश रहना है तो पहले अपने आप को जानना होगा, उसके लिए हमें आध्यात्मिकता को अपनाना होगा, लेकिन सबसे पहली बात तो ये होती है कि अपने अंदर में एक एसी फिट करना होगा। ठीक है, लेकिन वो एसी को इजी बनाने के लिए क्या करें? ये जो ज़िंदगी बने आसान जो हमने टॉपिक रखा है, तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि ये जो इजी, आप कह रहे थे कि आप भी बहुत इजी लाइफस्टाइल जीते हैं, आप इतने बड़े लाइफ कोच होते हुए भी, लेकिन आपने कहीं ना कहीं कभी भी ये नहीं कहा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आपने लाइफ को बहुत ही ईजी कर दिया, पर इस ईजी को और ऐसे कैसे ईजी किया जाए? अनायका जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, वो एक एग्जाम्पल था। ओके, ठीक है ना, जो मैं दर्शकों तक ये बात करना चाहता था कि हम अपनी जो पर्सनालिटी है उसको आसान करें। अपनी जो क्वालिफिकेशन है, अपने जो अक्वायर किया है, शायद हम उस प्रोसेस में लाइफ को लूज कर जाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे एक सवाल उठाया जिंदगी बने आसान में। प्रश्न ये है कि ये आसान मतलब क्या है? आई मीन, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग इजी और सिंपल? बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है उसका, जहाँ मैंने आपको थोड़ा सा, मैं उसको इवॉल्व कर रहा हूँ इस डिस्कशन को। हमने जानने का प्रयास किया था आध्यात्मिकता इज इक्वल टू ईजी। अब प्रश्न उठता है आसान मतलब क्या? आसान स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू बीइंग ईजी, जिंदगी आसान हो, लाइफ आसान हो, उसका जो अर्थ है वो ये है कि जो मेरे रोल्स हैं 24 घंटे के वो ईजी हों, वो आसान हो। अर्थात मैं एक इजी माँ बनूं, मैं एक इजी मैनेजर बनूं, मैं एक इजी और अच्छा पिता बनूं। अर्थात सुबह से लेकर रात्रि सोने तक ये गिरीश के जो जो रोल्स हैं, मैं किसी का हस्बैंड हो सकता हूँ, मैं किसी का पिता हो सकता हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का दोस्त हूँ, मैं किसी का मैनेजर हूँ, मैं किसी का सबॉर्डिनेट हूँ, मैं किसी के लिए, अनेक रिलेशनशिप हमारे होते हैं, मैं हो सकता हूँ किसी और के लिए एक ड्राइवर हूँ व्हेन आई एम ड्राइविंग अ कार, हो सकता है मैं किसी के लिए को पैसेंजर हूँ जब हम एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है अनेक संबंधों में जब हम इस 24 घंटे में जीते हैं जी। तो आध्यात्मिकता इज इक्वल टू ईजी, ईजी डेफिनेशन ऑफ आध्यात्मिकता इज इक्वल टू अच्छा, इज टू बिकम गुड। इजी पिता मींस अ गुड फादर, इजी मैनेजर मींस अ गुड मैनेजर। जिंदगी बने आसान इज इक्वल टू जिंदगी बने गुड, वेर इन आई डोंट सेलिब्रेट ओनली दोज फेस्टिवल्स, आई डोंट सेलिब्रेट सर्टन ओकेजन्स, आई डोंट सेलिब्रेट मैरिज एनिवर्सरी, आई डोंट सेलिब्रेट माई किड्स बर्थडे, आई डोंट सेलिब्रेट अ प्रमोशन, आई डोंट सेलिब्रेट एन अवार्ड, माई जिंदगी इज अ सेलिब्रेशन। वो जिंदगी कैसे सेलिब्रेटेड हो सकता है? क्योंकि मेरा जिंदगी का बहुत अभिन्न अंग है मेरे ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। तो मैं 24 घंटे क्या क्या रोल प्ले करता हूँ, जो भी मैं रोल प्ले करता हूँ, आसान एंड गुड। दैट मीन्स आई एम अ गुड मदर 24/7 365 डेज अ ईयर, आई एम अ गुड फादर, आई एम अ गुड सन
to my parents. I am a good colleague to you. Yeah. I am a good brother to my sister. I am a good professional in wherever I am working. Good primarily. Aasaan matlab good. अब वापस अगर हम मैं जब आपको पहले दिन वो कॉन्ट्रास्ट के बारे में बता रहा था, बाहर हमने गुड तो बना दिया. फॉर एग्जाम्पल, आपको बुरा ना लगे तो, गिरीश इस प्रोग्राम के लिए आया है, शायद मैंने बहुत फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम लगाया है सो दैट आई लुक गुड आउटसाइड. प्रश्न, फेयर एंड लवली इनसाइड? फेयर, फेयर नॉट द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फेयर, इज टू बी फेयर टू एवरीबॉडी, इज टू बी फेयर टू माई सेल्फ. तो क्या हमारे पास ऐसा कोई क्रीम है, जैसे आपने एसी के बारे में बात किया, ऐसा कोई क्रीम, ऐसा कोई एसी हो जो मैं फेयर रहूं अपने आप से, अपनों से? फिर इजी हो गया, अपनों से भी मेरे को फेयर रहना है. कहीं ना कहीं हम प्रोफेशनल स्ट्रेस को लाकर अंदर आकर के घर में आकर कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑफिस में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया, मैंने जितनी मेहनत की थी, नॉर्म आजकल नॉर्मल हो चुका है. लोगों की ये गलत धारणा है कि जो अच्छा काम करता है, जो सिंसियर होके काम करता है, जो एफिशिएंट रहता है, वो मरता है बेचारा. हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं एक ऑनेस्टी के साथ में अपने पूरे के पूरे 100% दे करके ऑफिस में काम कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता, मैं वहीं के वहीं निल रहती हूँ और आज प्रमोशन किसी और को मिल जाता है क्योंकि वो उनके फेवरेट है. तो ये फेवरेटिज्म के लिए मैं उनकी उनकी बातों को क्यों मानूं? मैं तो अपना काम परफेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे उनको बातों में घुमाना नहीं आता. मैं अपना काम परफेक्ट कर रही हूँ, तो क्या बातें घुमाने वाले प्रमोशन लेकर के चले जाते हैं? वो उनके फेवरेट है और आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं. अनेका जी, पिछले एक मिनट में आपने जो बातें की ना, बहुत कॉम्प्लिकेशन नजर आ रहा है. हाँ, क्योंकि है कॉम्प्लिकेटेड. हम जी रहे हैं इसी बात को, हम घुट रहे हैं इस बात के साथ. नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया है. फॉर एग्जाम्पल, मैं काम क्यों करता हूँ? पैसे कमाने के लिए. ओके, पैसे क्यों कमाता हूँ? अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स और नीड्स को पूरा करने के लिए. ओके, फैमिली की नीड्स और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति आप क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए. ओके, रिस्पॉन्सिबल आप हो जाएंगे तो आपको क्या क्या होगा? आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो व्हाट विल हैपन टू यू? मेरे को सैटिस्फैक्शन मिलेगा. सैटिस्फैक्शन होगा तो क्या आ जाएगा? सेटिस्फैक्शन होगा तो कहीं ना कहीं एक मैं चैन से सो पाऊंगा कि भाई मैंने अपनी जिंदगी में जो मैं जिसके लिए आया हूँ इस दुनिया में, वो मैं अपना लक्ष्य पूरा कर रहा हूँ. चैन से सो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जिंदगी बने आसान. जी, अब सोचिए, ये मेरा जिंदगी का प्रोसेस रहा है. अब इस चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, अपनी फैमिली की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में, आप बताइए कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? कमाइए ना पैसे, नंबर वन. पूर्ण करिए ना अपने फैमिली के नीड्स. Who is stopping you? But इस प्रोसेस में, No, my boss is stopping me. Who? How? He's not letting me. प्रमोशन नहीं होने दे रहे मेरा वो. पैसे और ज्यादा मिलेंगे तभी तो मेरी जिंदगी और आसान होगी. ये हाँ, अब ये देखिए, हो गया ना इधर से इधर कनेक्टेड. टक नहीं, कनेक्टेड नहीं हुआ है ना. अब मिसमैच है मेरे हिसाब से. तो आप कहते हैं सैटिस्फैक्शन, जी ठीक है, चैन की नींद, ये बाहर हो रहा है चैन की नींद. आपकी आंतरिक संतुष्टता बाहर दिखेगी? कहाँ दिखेगी ये सब? कैसे पता चलेगा अनायका जी बहुत संतुष्ट हैं? कैसे पता चलेगा अनायका जी चैन से सोती हैं? जब आप सो रहे होंगे ना, इतना रिलैक्स्ड होके. नहीं, रिलैक्सेशन बाहर नहीं दिखता है. बिल्कुल, हम रिलैक्स करते हैं. रिलैक्सेशन मर्सिडीज वेंस में नहीं है. रिलैक्सेशन इज अ फीलिंग. सैटिस्फैक्शन इज अ फीलिंग. अब बहुत ध्यान से देख, सुनना, मैं आंतरिक सैटिस्फैक्शन रिलैक्सेशन के लिए नीड्स, पैसे, ये मिसमैच है. पैसे कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने कभी मना नहीं किया कि पैसे कमाने के लिए. इस पैसे कमाने के प्रोसेस में मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ. लेट अस अज्यूम रियलिटी है कि किसी ने पॉलिटिक्स खेला ऑफिस में, वो प्रमोशन पा लेता है. वेर इन आई डिजर्व, आई मीन आई पुट I had heart and soul into it. Exactly. And I wanted it. ठीक है ना? अब बहुत ध्यान से सुनना. क्यों? Why I wanted that promotion? So that I have higher salary. Correct. So that I can again complete the needs of my family.
because I was responsible, because if I fulfill all the responsibilities, अब देखना ये प्रोसेस बाह्य जगत में हम इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अंदर के लिए मेरे पास कोई प्रैक्टिस नहीं है, अंदर के लिए थोड़ा सा भी मैंने कुछ किया नहीं है, इट्स ओके. सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए सेटिस्फैक्शन को खो रहा हूँ, वर्तमान मन की चैन को खो रहा हूँ कि उसको क्यों प्रमोशन मिला, मेरे साथ गलत हुआ. अब बताइए, मैं लक्ष्य पाना चाहता हूँ, आंतरिक संतुष्टता. अब क्या कर रहा हूँ वर्तमान, भविष्य. आपने कहा था ना स्टार्टिंग में, वर्तमान में जीने के लिए सबसे ज्यादा आपको प्रसन्नता मिलेगी. अब मैं क्या कर रहा हूँ भविष्य की खुशी के लिए, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा. I am sacrificing the satisfaction right now. We will discuss in detail how to handle this situation. But the question is, can I say, suppose I am now sulking under, ki mereko promotion nahi mila. Ye gross injustice hua hai. I can't confront my boss. To phir naukri chale jayegi. Wo bhi ek dar hai. Abhi dekhna. Correct. Ab main agar approach kar lunga to kuch karan bata ke ho sakta hai aur gadbad ho jaye. Complicated ना Suppressed हो. Anger. वो भी हो सकता है. प्रश्न ये है, कैन यू से दैट गिरीश, सपोज आई एम अ मैनेजर, कैन आई कॉल माई सेल्फ एज अ गुड इजी आसान मैनेजर इफ आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस टर्मोइल कॉम्प्लिकेशन इनर कॉन्फ्लिक्ट द डाउट्स द फ्रस्ट्रेशन द जेलसी द हेटरेड अभी सब दबा के रखा है. नहीं. अच्छा देखना इसका आफ्टर इफेक्ट्स का चेन रिएक्शन देखना. अब ये सब लेकर के मैं घर जाता हूँ. अब घर में जैसे ही एंटर किया, मेरी वाइफ ने कहा ये छोटू पढ़ता नहीं है, इसको कम मार्क्स मिले हैं, ये मस्ती करता रहता है, टीवी देखता रहता है. लेट अस अज्यूम अ सिनेरियो. प्लीज टेल मी हाउ वुड दिस एजिटेटेड आई स्क्रीम एट हर. आई विल स्क्रीम. आप गए फिर उसके बाद उनका दिन भी खराब. हाउ वंडरफुल. प्रश्न एम आई अ गुड फादर टू दैट लिटिल किड. उसी के लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ. अब हो गया, उसके लिए क्या कर रहा हूँ. मैंने उसको बुक्स ला कर दे दिया, मैंने उसको साइकिल ला कर दे दिया, मैंने उसके हर नीड्स पूरी कर ली. आई मीन देन व्हाई डिड आई बिकम अ डैड. वो तो मैं कोई अनाथ आश्रम में भी जाकर, मैंने बहुत मेहनत की है. आई एम अ बिग बिलियनर, बिल गेट्स. आपको मैंने अडॉप्ट कर लिया. आप एक NGO है, उसमें 10 बच्चे हैं, उनको लाकर टीवी दे देता हूँ, उनको लाके साइकिल दे देता हूँ, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, उनको सब नीड्स. वेयर इज दैट यू नो रिलेशनशिप जो होती है ना, वो जो अंदर की एक जो खुशी होती है ना. और फिर मैं उसको चिल्लाऊँ भी ऊपर से ये सब ला करके, वो कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा. हाँ, उसको समझ में आएगा कि आप देते हो चीज़ें, बट ये डैड और किड का रिलेशनशिप, यू नो दैट गेट लॉस्ट. नाउ द क्वेश्चन इज फॉर वॉट आई एम सैक्रिफाइसिंग सो मच. ये सत्य है कि उस दूसरा मैनेजर ने पॉलिटिक्स खेला है, वी विल डिस्कस उसको कैसे हैंडल करना है. बट इज दिस द ओनली वे टू ब्रू, टू गेट फ्रस्ट्रेटेड. अंदर मैं कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हूँ, अंदर AC नहीं है, अंदर मैं गुस्से में हूँ, अंदर की गर्मी, अंदर का उत्तेजना को लेकर मैं जी रहा हूँ. एंड आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल द नीड्स. घर में AC है, घर में कार है, घर में ट्यूटर आता है, ये सब आता है, और पिता जाकर बच्चे को कहीं और का फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकालता है. एंड फिर हम चाहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ, कोई समझता नहीं है. नाउ हु हैज मेड इट. तो कौन समझेगा आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं. हम सब तरफ चाहते हैं कि चीजों को बेटर करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हैं. अनायका जी अंदर नहीं चाह रहे हैं ना, तभी तो कॉम्प्लिकेशन है. अच्छा, कहाँ है अंदर. मुझे बताइए, अंदर बेटर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम. क्या मैंने आज अपने 24 घंटे के रोल को देख करके थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट किया, थोड़ा सा इंसाइट रखा कि गिरीश एज अ मैनेजर. आई गिव यू सिंपल एग्जाम्पल, थोड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अगर एग्जाम्पल दूँ. फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई भी हीरो को ले लें, लेट अस अज्यूम इट इज शाहरुख खान फॉर एग्जाम्पल. वो अपना एक रोल करता है एक मूवी में, XYZ मूवी में ABC रोल करता है. एवरी टाइम जब वो रोल करता है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, शायद आप उस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं, क्या वो अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है. He tries his best. डायरेक्टर कहता है रीटेक, अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ. वो इमोशंस अगर चेहरे पे नहीं झलकेगा, सपोज द डायरेक्टर वांट्स शाहरुख खान टू लाफ बट एट द सेम टाइम शो द पेन, अंदर से दर्द है लेकिन सामने वाले को वो खुश करना चाहता है. सपोज दिस इमोशन, ड्यूअल इमोशन, मिक्स्ड इमोशन को उसको इनैक्ट करना है.
डायरेक्टर की जो लेवल है, शाहरुख खान की जो कैलिबर है, वो लेवल तक नहीं आएगा तो रीटेक 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 करेगा. करेक्ट. जिंदगी में क्या मैंने अपनी परफॉर्मेंस को आज रात को बैठकर, अब शुरुआत होता है आसान बनाने का प्रोसेस, ओके, क्या मैंने एनालाइज किया? यस, सिचुएशन एडवर्स था, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैनेजर ने सुपर बॉस के साथ पॉलिटिक्स खेलकर प्रमोशन ले लिया, मैं वहीं का वहीं रह गया. नाउ एज अ ट्रू हीरो, एज अ हीरो, कैन आई चेक माय परफॉर्मेंस? ना 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 गिरीश, जिस प्रकार से तू फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, इज इट एडिंग वैल्यू टू यू? इज इट मेकिंग योर गुड डैड बैक एट होम? इज इट मेकिंग योर गुड हस्बैंड बैक एट होम? विल विद दिस फ्रस्ट्रेटेड माइंड, चलो इन सबको बाजू में कर दीजिए, मैं प्रोफेशनल लेवल पर ही बात करता हूँ, ठीक है ना, फॉर अ सेकेंड हम इनको बाजू में कर देते हैं. मैं थोड़ा सा दुखी हो गया, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, मैं थोड़ा सा हर्ट भी हुआ, मेरी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है. अब जो वेट, अब मैं यही सवाल पूछने वाला हूँ. आपने तो फिर वर्डिक्ट ही दे दिया. मैं पूछ रहा हूँ अब इस माइंडसेट से लेकर मैं कल परसों नरसों, ताकि मेरा और परफॉर्मेंस अच्छा हो, ताकि अब कोई स्कोप ना हो किसी को, किसी और को, भले पॉलिटिक्स खेले या ना खेले, किसी को मेरे अलावा प्रमोशन देने का स्कोप नहीं नजर आना चाहिए. वो परफॉर्मेंस पाने के लिए विद दिस माइंडसेट, वो जेलस फील करके मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, लोगों ने मेरे साथ पॉलिटिक्स खेला है, अब बताइए ये धारणा या ये संस्कार, ये स्वभाव रख करके कल की डेट में जो मैं डिजर्व करना चाहता था, अब मैं कॉन्शियसली जो डिजर्व करना चाहता हूँ उसको खोना का मेरा क्या बोलते हैं लाइफ चलेगा, या फिर मुझे वो सब प्राप्त हो जाएगा विद दिस कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी? अब आप बताइए, आप बताइए किसने लाइफ कॉम्प्लीट. ये सच है कि आपकी वजह से मेरे को प्रमोशन नहीं मिला. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अब बताइए ये माइंडसेट को रखकर, अब मैं आसान नहीं हूं, अंदर आसान नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं अंदर. अच्छा, क्यों आसान नहीं हूं? कोई व्यक्ति 24 घंटा फ्रस्ट्रेशन में नहीं जी सकता, उसको भी मन की शांति चाहिए. बिल्कुल. कोई व्यक्ति 24 घंटा गाली देकर नहीं जी सकता है, वो खुद से नफरत करना शुरू हो जाएगा, लोग तो दूर हो जाएंगे. अब ये जो नेगेटिव बातें बता रहा हूं ये अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बुरी चीजों के साथ खेलता हूं. अब बुरी चीजों के साथ खेलूंगा तो फिर अच्छा नहीं बनूंगा. जिंदगी बने आसान इज इक्वल टू आध्यात्मिकता इज इक्वल टू इजी इज इक्वल टू अच्छा. अच्छा क्या करना है? अच्छे जो जो मेरे रोल्स हैं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या मैं सदा अपने माता पिता के लिए अच्छा बन सकता हूँ? वो राइट है, वो रॉन्ग है, वो गलत करते हैं, वो सही करते हैं, मेरे को मतलब नहीं है उससे. अच्छा का डेफिनेशन, क्योंकि अच्छा जो आपके लिए है वो शायद मेरे लिए अच्छा ना हो. हो सकता है अनायका जी, फिर आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. अच्छा यूनिवर्सली अच्छा ही होता है. ओके, लेकिन जैसे मेरे लिए, जैसे मैं कई बार आज सिंपल सी बात है, आज जब कोई किसी की किसी को दुख दे रहा होता है, आज सपोज मेरे लिए, आज मैं एज अ सास, आज अगर मैं जब एक लड़की एक नए अपने घर में जाती है तो सास जब अपनी बहू को कुछ बोल रही होती है तो वो तो खुशी से ही कर रही होती है, वो अपनी खुशी के लिए कर रही होती है ना. आज जो भी बोल रही है, सास को बहुत रिस्पेक्ट देती, सम्मान देती है खुशी के लिए. नहीं, मैं आज एक सास हूँ तो मैं आज जो भी उससे एक्सपेक्ट करती हूँ या मैं जो उससे बोलती हूँ तो मैं अपने घर के माहौल को बेटर करने के लिए ही कर रही होती हूँ. उसे अपने आप में कहीं ना कहीं एक परिवार मेरा अच्छी तरह से चले और पॉजिटिविटी रहे, इसीलिए भले मैं उसको डांट भी देती हूँ कभी, मैं उसे सुधारना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे घर के हिसाब से वो तो कुछ नहीं जानती, वो तो नहीं आई है अभी के अभी. तो मैं अपने घर के अंदर में संतुलन बनाने के लिए उसे 10 बातें अगर बोल भी रही हूँ तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं तो अच्छी हूँ. अच्छे को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है. अच्छा अर्थात एक तो हमारे रोल्स बहुत अच्छे हों, ठीक है ना. अब अच्छी सासू माँ, मैं उसी को ले लेता हूँ जी. हाँ, आपकी भलाई के लिए मान लो आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई और मैं बहुत अच्छी सासू माँ हूँ और मेरा उद्देश्य है कि गलती आप आइंदा ना करें, दोबारा वापस ना करें, उसके लिए मैं आपको सीख दे रही हूँ, ठीक है ना, सो दैट यू डोंट कमिट द सेम मिस्टेक नेक्स्ट टाइम, सो दैट यू आर अवेयर दैट दिस वर्क शुड नॉट बी डन लाइक दिस, इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली एंड आई हैव आइडेंटिफाइड कि आपसे ये गलती हुआ है, ठीक है. बहुत ध्यान से सुनना. और आप कहते हैं अच्छा बहुत सब्जेक्टिव है, एक के लिए जो अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा हो सकता है. मेरे हिसाब से अच्छा यूनिवर्सल है, एब्सोल्यूट है. हम कॉम्प्लिकेटेड हो गए इसीलिए अच्छा को हमने अपने मर्जी से मोल्ड कर लिया. अब फॉर एग्जांपल इसी सिचुएशन को ले, आप बहू ने गलती कर दिया है, सासू माँ ने आपकी भलाई के लिए,
ताकि आप आगे ये गलती ना करें, उसके लिए मैं डांटता हूं. प्रश्न, ये डांटना अच्छा है? बिल्कुल. अब ये देखिए, अब मैं किसी को सुधारने के लिए गलत चीजों का इस्तेमाल करके मैं अच्छा नहीं बना सकता. ये डांटना, ये गुस्से को भी हम थोड़ा सा अलग से समझने का प्रयास करेंगे. अच्छा, मैं उसको रिवर्स कर देता हूँ. मान लीजिए मेरे से गलती हो गई, ठीक है ना, और मैंने बहुत डेलिबरेटली नहीं किया था, मुझसे गलती से हो गया. शायद मुझे पता ही नहीं था, मैं पहली बार ये कार्य कर रहा था और मुझे उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम ऑन हैंड आई विल डन. एंड अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग कि ये कार्य कैसे होना चाहिए, आपने वैसे एक्सपेक्ट किया मुझसे. आप सासू माँ हैं, आपको लगा था कि ये कार्य ऐसे ऐसे होना चाहिए. मैं वो पहली बार कर रहा था, मुझे पता ही नहीं है कि क्या स्टैंडर्ड्स है. आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो नहीं हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब मैंने गलती किया. हाँ. आपके अनुसार बिल्कुल मैंने गलती किया, एंड आई एक्सेप्ट की गलती हो गया. अब प्रश्न ये है, जब आप मुझे थोड़ा डांटेंगे, प्रश्न मुझे अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? किसी भी व्यक्ति को कोई भी गलत किया हो, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा. बुरा लगेगा. अच्छाई के साथ बुरा कैसे जा सकता है? आज इस स्टूडियो में हम अगरबत्ती जलाते हैं या रूम फ्रेशनर जलाते हैं, तो फ्रेग्रेंस होगा या दुर्गंध होगा? फ्रेग्रेंस. हाउ कैन, इफ देयर इज लाइट देयर कैन नॉट बी डार्कनेस. दोनों में से एक ही हो सकता, एक ही हो सकता है. बिल्कुल. अगर मेरे मन में आपके लिए आज इस वक्त, आई हैव गॉट लॉट ऑफ गुड विशेस फॉर यू, अनायका जी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, इस वक्त मेरे नेक्स्ट थॉट हो सकता है कि ये बहुत गड़बड़ है. हाँ. अगरबत्ती जब बंद हो जाएगा तो हो सकता है कोई दूसरा खुशबू यहाँ, दूसरा बदबू आ सकता कर लेगा. बट सॉरी, तो जब आप चिल्ला रहे हैं मुझे या डांट रहे हैं मेरी भलाई के लिए, तो देन एट दैट मोमेंट देन यू आर नॉट गुड. पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. हाँ. नहीं, उस मोमेंट में मुझे बुरा लगेगा. क्या बुरा लगेगा? कि मैंने तो सासू माँ के लिए इतना अच्छा किया, मैंने तो जितना हो सकता था मेरे मेरे स्किल्स के आधार से मैंने किया. अब प्रश्न ये है, जब मैं अच्छे की बात करता हूँ, मैं कोई मूवी देखता हूँ, अगेन परफॉर्मेंस का, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा एक्स वाई जेड हीरो कोई मूवी में बहुत अच्छा रोल करता है जी. या वो पूरी कंप्लीट मूवी ही बहुत अच्छी है, तो उस मूवी को मैं बार बार भी देखूंगा ना, तो मुझे बहुत अच्छा ही लगेगा. कभी बोर नहीं होंगे. कभी बोर नहीं होंगे. और मुझे वो एक्टर हमेशा अच्छा लगेगा. और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये एक्टर हमेशा अच्छा ही काम करेगा, ठीक है ना. मुझको उसके प्रति मैं डिफाइन कर सकता हूँ, अमिताभ बच्चन इज अ वर्सेटाइल एक्टर, आई मीन हिज परफॉर्मेंस इज मोर ऑर लेस फैंटास्टिक. या नाउ क्वेश्चन इज, सासू माँ ऑलवेज टू बी हैप्पी, ऑलवेज टू बी गुड. अब मैं काम के चक्कर में, सिखाने के प्रोसेस में, देखना जिंदगी कैसे कॉम्प्लिकेट हो रही है, वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग. आप बहू ने गलती की, ये सत्य है. आपको नहीं पता था, आपको पूछ के करना था, ये भी सत्य है. आपने अपने मन से कर लिया और गड़बड़ हो गया, ये भी सत्य है. ये हमारे फैमिली के इंटरेस्ट में नहीं है, ये भी सत्य है. उससे हमारा नुकसान हुआ, ये भी सत्य है. अब उस होल सिनेरियो को देखकर अब सासू माँ थोड़ा सा आवाज रेज करके आपको चिल्लाती है, आपकी भलाई के लिए. मेरा इंटेंशन नहीं है. अभी देखना कैसे हम सब्जेक्टिव बना रहे हैं, हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को. अनायका जी, हमने एब्सोल्यूट और इजी नहीं किया है. अब इस सब प्रोसेस के उस के चक्कर में मैंने क्या कर दिया, मेरा आपके साथ उस मोमेंट में आपको बुरा लगेगा कि मैं कितना करती हूँ, लेकिन आप नहीं समझती है मुझे. बहू के मन में क्या फीलिंग आएगी? आपको भी तो थोड़ा समझना चाहिए. बिल्कुल. अब क्या हो रहा है फॉर द बहू, फॉर अब ये मैंने ब्लेम गेम शुरू हो गया. एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ. एक्स वाई जेड हीरो का एक मूवी फ्लॉप होता है, दो मूवी में उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तीसरे में ऑडियंस उसको अप्रिशिएट नहीं करते, चौथे में बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो जाता है. क्वेश्चन, सक्सेसफुल कहेंगे? अच्छा एक्टर कहेंगे? नहीं. अच्छा डायरेक्टर कहेंगे? देयर हैज टू बी कंटिन्यूटी. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं कहता हूं जिंदगी बने आसान, इजी, अर्थात मेरे रोल्स इजी हो, अर्थात गिरीश इजी हो, अर्थात गिरीश एज अ हीरो इजी हो, गिरीश एक मूवी में विलेन का रोल करता है, दूसरे मूवी में हीरो का रोल करता है, तीसरे में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करता है, चौथे में रोमांटिक हीरो का रोल करता है. गिरीश बहुत फैंटास्टिक है, उसका हर रोल इतना अच्छा है, लोग बोलेंगे एक्टर बहुत अच्छा है. कोई भी रोल दे दो,
He's always the best. Yeah. Itna complicated role bhi de do, he does it so beautifully. Now, Girish, as an individual, in my beautiful movie of life, Girish, mere chotu ke liye, main papa hoon. Always. Chotu bole, my dad is the best. Yeah. Oh, wow. कुछ भी हो मेरे लाइफ के बैकड्रॉप में मेरा ऑफिस में मेरे को पिंक स्लिप मिल चुका है मेरा मेरा दूसरा कलीग मेरे साथ पॉलिटिक्स खेलता है बट फॉर द छोटू डैडी गिरीश का परफॉर्मेंस इज सो बेस्ट द हीरो विद इन आई एम अ हीरो एंड अब आई एम इन कंप्लीट कंट्रोल क्योंकि मैं अच्छा हूँ बाह्य जगत में मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना फैंटास्टिक यूज करता हूँ आई एम इन कंप्लीट कंट्रोल एट 10 डिजिट नंबर पे कॉल करके मैं पता लगा सकता हूँ कि क्या हो रहा है मैं 2 मिनट्स में अपना टिकट बुक कर सकता हूँ यहाँ पे भी 2 मिनट्स में आई कैन बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन क्योंकि अच्छा हूँ करेक्ट मेरी बहू के लिए मैं सदा अच्छी हूँ अब प्रश्न है वो मैनेजर जिसने पॉलिटिक्स खेला उसको कैसे ठीक करना है बट उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो कॉम्प्लिकेशन वाली बात है ये कॉम्प्लिकेशन के चलते मैं अपना पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं कर सकता हूँ मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ अच्छा नहीं कर सकता हूँ ये सत्य है कि जो मैं डिजर्व करता था आपकी गलती की वजह से ऑफिस के पॉलिटिक्स की गलती से मेरे से छूट गया ठीक है लेकिन इसी कॉम्प्लिकेशन को अगर लेकर मैं चलूंगा ना तो अब डेलिबरेटली मैं अपने भाग्य को कम करूंगा मैं अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करूंगा इस चीज को समझना बहुत जरूरी जब मैं कहता हूं अंदर आसान आई मीन इट्स अ वेरी वास्ट एरिया ऑफ स्टडी इसको समझना बहुत जरूरी है अपनी गलतियों को अपने चॉइसेस को मुझे समझना बहुत जरूरी है और हमने इसको कह दिया है कि आपकी भलाई के लिए एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा 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 है अच्छा अच्छा है जब व्यक्ति गुस्सा करता है ना तो उसका शरीर में भी ऐसे केमिकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है प्रश्न ये है हमको ये समझना पड़ेगा क्या गुस्सा करना सच है अच्छा है सॉरी गुस्सा से जिंदगी आसान बनती है इरिटेट होकर जिंदगी आसान बनती है जेलस होकर जिंदगी आसान बनती है जैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके बाहर जिंदगी को आसान करते कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिंदगी को आसान करे बहुत अच्छा भाई जी इजी जिंदगी अगर बितानी है तो हमें अच्छा बनना होगा अगर हमें अच्छा बनना है तो आध्यात्म को अपनाना होगा अच्छे रोल्स प्ले करने पड़ेंगे तो इन्हीं बातों के साथ आज की कड़ी को हम अंत करते हैं हम फिर आपसे मिलेंगे इसी शो पर अगली बार के लिए धन्यवाद नमस्कार ओम शांति दोस्तों जिंदगी में आध्यात्मिकता जो कि एक बहुत ही बड़ा सत्य है उसे अपनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जिंदगी में आज जो हम देख रहे हैं क्या वो सत्य है आज जो वर्ल्ड ड्रामा हम जी रहे हैं उसमें हम जो एक्टर्स हैं वो जो रोल प्ले कर रहे हैं क्या वो हम सही प्ले कर रहे हैं क्या अपने रिलेशनशिप्स में क्या अपने ऑफिस में क्या अपने हर एक रोल को हम परफेक्ट जी रहे हैं परफेक्ट जीने के लिए ईजी बनाना होगा और ईजी बनने के लिए अच्छा बनना होगा इसी बात के साथ आज की बातों को हम ख़त्म करते हैं कल फिर मिलेंगे आप ही के शो में जिंदगी बने आसान नमस्ते ओम शांति Thank you.